أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفيعنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسم مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الججاع صدر الملا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميد الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه الجبريل خادم البراق والكهل المراق صفره سيد المنتهى ومقام خاب قوسه مطلوب المطلوب مقصود والمقصود والموجود سيد المرسلين خادم النبيين شفيع المظلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيل في الدارين صاحب قاب حسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي قاسم محمد يا عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفينا محمد بارك وسلم رحمت ہے دو عالم پہ لاکھوں سلام اس نبی مکرم پہ لاکھوں سلام راستہ حق کا انسان کو دکھلا دیا ہادی نوح آدم پہ لاکھوں سلام عرش اعظم پہ معراج کی شب گئے روئے روئے عرش اعظم پہ لاکھوں سلام جس کے اعزاز و عظمت کا قرآن گواہ اس نبی معظم پہ لاکھوں سلام غم میں امت کے اکثر جو روتی رہی ان کی اس چشم پرنم پہ لاکھوں سلام ہے قلب آپ کا خاتم المرسلین اس نبوت کے خاتم پہ
लाखों सलाम, रहमत हर दुआलम पे लाखों सलाम, उस नबी मुकर्रम पे लाखों सलाम। दीन के इसरार पिरा वो रोशन किए, हक के राजों से महरूम पे लाखों सलाम, रहमत हर दुआलम पे लाखों सलाम, उस नबी मुकर्रम पे लाखों सलाम। रास्ते हक का इंसान को दिखला दिया, हादी नूह है आदम पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। वो बशर नहीं, वो बशर नहीं के हयात मौत में हो सर गिरा, वो अबद से पहले अजल के बाद शफी कुव्वत दो जहां, वो शिकम के जिनकी गिजा थी नूर सुरूर खल, वो फकीर थे पे लुटा रहे थे जमा वो मकान। वो बशर नहीं, वो बशर नहीं, वो बशर नहीं के हयात मौत में हो सर गिरा, वो अबद से पहले अजल के बाद शफी खुलवत दो जहां, वो शिकम के जिनकी गिजा थी नूर सुरूर खल, वो फकीर थे पे लुटा रहे थे जमा वो मकान। तू हवा के जिद पे टिमटिमाता चिराग है, वो सियाह रात में माहे मुबीन की तरह आया, वो जलाल जिसने के बुत कदों को मिटा दिया, वो जमाल जिसने कर दिए दो जहां, वो थे बादशाह मकान के, वो थे बादशाह जमान के, वो मुबीन थे वो अमीन थे, वो थे सिद्क अकबर दो जहां। वो निगाह तीर वो तफंग है ना ही जंग है, वो निगाह सब पे गिरा रही है मोहब्बतों की बिजलियां, गोहों पिरा उनकी शिफातों का मैं मुंतजर, मेरे गम की रात में धीरे धीरे झलक रही है तजल्लियां। वो बशर नहीं के हयात मौत में हुसर गिरा, वह बच्चे पहले अजल के बाद शफी खुलवत दो जहां। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी व अज़वाजी व अज़वाजी ज़ुर्रियात अहले बैती अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। वजूद पाए दो आलम हुजूर सल्लम से, यर्शो फर्श है खाइम हुजूर सल्लम से, जबीन पे हजरे पे आदम के नूर था जाहिर, फिरोग़ अज़मत आदम हुजूर सल्लम से, जो लाए लैलतुल असरा नमाज का तोहफा, मिली है नीमत आज़म हुज़ूर सल्लम से। खुदा ने आपको फरमाया रहमत आलम, न सर्द क्यों हो जहन्नम हुज़ूर सल्लम से, ये फैज़ आपके ख़दमों का था के मुल्क अरब हुआ जहां में मुकर्रम हुजूर सल्लम से। फर्ज दरूद हुआ हम पे इसलिए पीरा, है दिल के जख्म का मरहम हुजूर सल्लम से। वजूद पाए दो आलम हुजूर सल्लम से, यर्शो फर्श है खाइम हुजूर सल्लम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबीना शफीना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम। कमली वाले नबी जब हो महशर बपा, कमली वाले नबी जब हो महशर बपा, अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो। कमली वाले नबी जब हो महशर बपा, अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो। रोज़े महशर है बस, रोज़े महशर है बस,
आपका आसरा, अपनी कमली में हमको छुपा लीजियो। मुस्तरब मुस्तरब हैं बहुत दर्द आसा से, हम जिंदगी में उठाए बहुत रंजो गम, देख कर आप गम है जाता रहा। अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो, अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो। कमली वाले नबी जब हो महशर बाबा, अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो। रोजे महशर है बस आपका आसरा, अपनी कमली में हमको छुपा लीजियो। जब नहीं था जहां में खुदा से नयाज, काम आते हैं क्या हमको रोजे नमाज। है कियामत में बस आप ही कारसाज, है कियामत में बस आप ही कारसाज। अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो, कमली वाले नबी जब हो महशर बपा, अपनी कमली में हमको छुपा लीजियो। शिद्दते गम से पीरा है नाला कुना, आपका उम्मती है बहुत खुशते जा। आप मेहरबान तो खुदा मेहरबान, अपनी कमली में हमको छुपा लीजियो। कमली वाले नबी को जो महशर बपा, कमली वाले नबी जब हो महशर बपा, अपनी कमली में मुझको छुपा लीजियो। कमली वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की, اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا محمد بارك وسلم. है निराला समा मदीने में, नूर का है जहां मदीने में, मोहराहत है सरूर सरवरे आलम, महर रहमते हैं आया मदीने में। आसमां से उतर के आते ही कारुआ कारुआ मदीने में, दिल के आंखों से देखता हूँ मैं, हब है बहिश्तो जिना मदीने में। दिल को हासिल सुरूर राहत है, हुआ ईमान जवा मदीने में, है निराला समा मदीने में। नूर का है जहां मदीने में, हुर्मते रोजे नबी से है सरंगों आसमां मदीने में। सारी दुनिया में दीन फैल गया, पहले गूंजी अजा मदीने में। काबतुल्ला भी रश्क करता है, बात है वो निहा मदीने में। सच्ची राहत यहीं मिले पीरा, हम है कोई कहां मदीने में। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की नूर अर्शी अफजल अनबियाए المرسلين हबीबना नबीना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ
بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتقوا وآمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم والضحى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فإن نعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم خلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إيلافهم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا القوى إنا أعطينا كالكوثر فصل ربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم عزيز دوستو اور بزرگو میرے محترم بھائیو بہنو سارے سلسلوں سے وابستہ رکھنے والے پیر بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں بے گنت رحمتیں درود ہیں فضیلتیں نازل ہوں
खुदा रब इज़्ज़त ही आपको नूर उन खुताब मुबीन के खिताब से पुकारा है और वो अल्लाह और फरिश्ते बाक़ियामत इसके बाद भी इन्नल्लाही मलाइकतु सल्लल्लाहु नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीअना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबीना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला सारे मोमिनों को खिताब करते हुए फरमाता हुक्म देता है कि मैं और मेरे मलाइक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं, तुम भी आए मुसलमानों आए मोमिनों तुम भी दुरूद शरीफ उन पर रहमतें भेजो और सलामतें भेजो और उन हुक्मों को मानो और इनकी इत्तिबा में आ जाओ, उनके हुक्मों पर आ जाओ, उनको मोहब्बत करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करो कि वो और तुम एक हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर समा है लेकिन इनके आवरी के विलादत कायनात के बनने के कबल अल्लाह ताला ने उनके नूर को जहूर में लाया और जहूर में लाने के बाद इसी नूर को हुजूर आदम अलैहिस्सलाम में पेवस फरमाया और वहां से सारी कायनात को नूर रोशन हुई। शारे शजर शारे कायनात के हर हर शे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना करती है। हमने हुजूर पाक के नाम को बुलंद फरमाया, हुजूर पाक के नाम को बुलंद करने के बारे में अल्लाह ताला ने कई जगह पे कुरान शरीफ में हुक्म फरमाया है। यही नहीं कि जितने किताबें जो आसमानी किताबें मुसलमानों को उसके पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, फरिश्तों को ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, आखिरत को आने का हुक्म दिया गया है, इन तमाम के आसमानी किताबों में हुजूर की आवरी और हुजूर की विलादत और आखिर जमा की हैसियत से रहमतुल आलमीन होकर आने का बयान किया गया है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सारे आलम के तहकीक करने वाले मोरकीन और फिलासफरों ने इसकी तहकीक की है और उन किताबों में उनको ये चीज सही जाहिर की है। हिंदुस्तान के वैद की किताबों में भी देखा है कि आखिरी अवतार आने वाले हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवरी के बारे में तो सारे के इरफान सारे किताबें खुसूसन दौरे इंजील में उसका जिक्र खुले खुले तौर पर कर दिया गया है और आज भी उसका सबूत पाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर पूरा यकीन रखना, अकीदे के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर जमा आखिर जमा माना हर मुसलमान पर फर्ज कर दिया गया है। अगर कोई इसमें शक और शुबा भी पैदा हो जाए तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। हुजूर इस्लाम खातिबुन नबीन हैं, आपके पास कोई नबी नहीं आएगा ना कोई किताब आसमानी किसी फर्द पर तारी होगी। ये जो दावा करने वाले हैं कि दुनिया में वो फिर जहूर किए हैं नबी आएंगे और नबी ही की किताबें के बारे में इशारत करेंगे, ये बिल्कुल नादानी और गलत बात है और इसको इन लोगों के साथ सोहबत करना, इनके साथ इनके जमात के बातों को मानना है बिल्कुल गलत है। इसे इनसे दूर होना हमारे पीर भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बहुत इंतजारी थी। जब ऐसे जगह पे विलादत हुई जो ऐसे कौम में विलादत हुई जिसमें पहले ही हुजूर ने ईसा अलैहि सलाम ने ही कह दिया था कि अब हुजूर की आने वाले पैगंबर अजमी होंगे और अरब कबीले से होंगे और हजरत मूसा से शबाहत रखते होंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम शादी किया, बीवी किए, बच्चे किए और शरीयत खुदावंदी आप पर तारी हुई। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही मोहतरम और अजीज कुरैश के खानदान में विलादत पाए। हजरत की विलादत के पहले अपने वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, फिर आपने हजरत बीबी हलीमा के घर में परवरिश पाई जिनकी परवरिश से जिनके खानदान बहुत ही फसी और अरबी बोलते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बड़ी फसी थी, नवानवे नामों में हुजूर का नाम भी फसी है। कुरान पाक जब उतरता है तो फसी जुबान में उतरा है, ऐसी फसी जुबान कोई जुबान कोई ऐसा कलाम कोई फसी जुबान इतनी फसी व बलागत की जुबान में कोई और कलाम नहीं उतरा है। इतने हजार मिसालें कुरान शरीफ में दी गई हैं, इतने बातें जम के इरफान के हैं कि जो दुनिया में आने वाले नस्लों के लिए यह रहबर क़ियामत तक के लिए ये रहबर बन गई है और ये क़ियामत तक के इसमें लोगों के लिए हिदायत है। जब हम अलहम का सूरा पढ़ते हैं तो गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन के पहले जब पढ़ते हैं अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, ये इशारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि जिन पर लाखों करोड़ों नियमतें अता की गई। और फिर कई जगह पर कुरान शरीफ में फरमा गया है कि हमने सादिकों सिद्दीकों शहदा और उलमाए किराम पर हमने रहमतें नाज़िल फरमाई हैं, उन्हीं के राह पर तुम चलो।
सबसे बेहतरीन रास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना बनाया गया है और हमारे लिए हर हमारे लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वर्खे हर हर दिन के वर्खे हमारे सामने मौजूद हैं। सही सित्ता के 6 अहदीस हैं जो हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत तिर्मिजी, हजरत दाऊद और हजरत इब्ने माजा के हैं, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी एक एक खुले खुले तौर पर बताई गई है। इससे जाहिर होता है कि हुजूर पाक की जिंदगी बड़ी ही पाक साफ और बेगुनाह थे और कोई थप्पा आपके ना रूहानी थी ना जिस्मानी थी ना कोई जिंदगी में कोई ऐसा फाल था कि जिससे कह सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इंसानी बशरी हैसियत से आपने खताबार हुए थे। चंद नादान उल्मा जो तो दुनिया में एक सियासी पार्टी बनाकर उन्होंने हुजूर की तारीफ करने के बजाय उनको या उनके हुसूरे फताह की तफसीर में लिखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फानी गुनाह हुए थे, अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इससे बढ़कर गुनाह और क्या हो सकता है कि हुजूर हस्ती के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ ना उनके ख्याल में आई ना वो पहचान गए। अपने सियासी मकसद के लिए ये जमात बड़ी सरगर्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है और कई जगह जगह इस्लाम को बढ़ाने के तौर पर हुजूर की शख्सियत के पर वो धब्बा डालते हैं। यह बहुत बड़ी बुरी बात है और यह बहुत गुनाह अजीम है। वादानियत तो जाहिर है, खुदा रबिल्ला जाहिर है, अखुलजाल हक जोर अखल बातिल इन बातिल काना जहू का हक आ चुका है, बातिल चले गया है, बातिल खुदा है सारे मिट गई, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना ये है कि दिल दिमाग के बुते और जाहिरी और बातिनी बुते जिसकी हम परस्तिश करती हैं वो सारे चले गए, सिर्फ खुदा वाहिद और उनके चाहतिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही सही और सच्ची है। ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल हक्कुल अमीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों साहब यह आयत शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जाली मुबारक पर मदीना मुनव्वरा में हुजूर के हुजूर रोजे के बाहर जाली मुबारक पर कई वक्त लिख दिया गया है, सुनहरी सुनहरी अल्फाज में लिख दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिक वादुल हक्कुल अमीन। जब तक इंसान सच्चाई पे नहीं रहता, राजगोई पे नहीं रहता, हर काम जो करता है वो हक ही हक ना हो और जाहिर ना करे हक को और सादिक ना रहे और अपने जुबान का पक्का ना रहे वो जिंदगी क्या। आज आज की सियासी जिंदगी में देखा जाए तो कितना झूठ है जिसके वजह से खोट है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बादशाह जो आदिल नहीं वो बादशाह नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हजार अहदीस हैं जिसमें हर हर शय में सच्चाई की बात रखी गई है, वही बात है जो अदल और इंसाफ की है, वही बात रहम करम की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सूरह तौबा की आयतें हैं जिसमें यह साफ तौर पर खुदा ताला ने हुजूर की शान में फरमा दिया है कि आप जो है रऊफ रहीम हैं। इससे बढ़कर और क्या तारीफ हो सकती है जो कुरान खुद हुजूर की शान में कहे कि हुजूर का दिल बड़ा नरम था, बहुत ही नरम था, बहुत ही अजीज थे आप। हुजूर अलैहिस्सलाम की जान के लिए जान माल हर चीज कुर्बान अपने हुजूर के मानने वाले सहाबिया ने दे दिया। अब ये आयत जो हुजूर की शान में आई वो ये है कि हमने तुम्हारे जिक्र को दुनिया में आम कर दिया है, बुलंद फरमा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर जमा होने के सिलसिले से शफीउल मुज़दमीन भी हैं, रहमतुल आलमीन भी हैं, मुरादुल मुश्ताकीन भी हैं, आशिकुल मुरादुल आशिकीन भी हैं और शफीउल मुज़दमीन हैं। मुसलमानों के सारे गुनाह माफ कराने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी हयात जिंदगी है, हयात अबदी है, आपकी हयात में अबदी होने में कोई शक व शुबा नहीं। जब हम सलाम करते हैं पर तो हमको जरूर उसका जवाब मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो हुई वो सच्ची थी, बहक थी, आपको आबे कौसर की दिया अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे मुकामात अल्लाह ताला ने दिया कि कोई नबी पर यह चीज ना नहीं तारी हुई, ना हिंदुस्तान के ऋषियों को हुआ, ना मिस्र के आलिमों को हुआ, ना कहीं और के सिविलाइजेशंस में ये चीजें किसी पर हुई। आज अंग्रेज मौरखीन उन्होंने छानबीन किया और देखा कि दुनिया में कौन सी ऐसी हस्ती है जो सबसे अव्वल और अफजल है,
और फिर उन्होंने बयान कर दिया कि हुजूर से बढ़कर कोई हस्ती ना आई है ना आ सकती है। 1000 मौजिज हजरात के नामों में हुजूर पाक का पहला नाम रखा और बता दिया गया कि फतेह आप थे और आप पर जो सूरह उतरिया जो इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना कि हुजूर पाक कहते कि यह सूरह मुझे बहुत अजीज है। और हजरत रसूलुल्लाह के नाम से जो सूरा हुआ वो भी हजरत को बहुत अजीज था। अब वो जो सूरह तौबा के आखिरी आयतें थे लखद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ऐ लोगो, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारे जिन्स बशर से हैं जिनको तुम्हारी मुजर्रत की बात निहायत गिरान गुजरती है, जो तुम्हारे मुनाफात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं और यह हालत तो सबके बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। फिर अगर ये रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए मेरा क्या नुकसान है कि मेरे लिए तो अल्लाह हाफिज व नासिर काफी है, इसके सिवा कोई होने के लायक नहीं। मैंने इसी पर भरोसा कर लिया और बड़े भारी अर्श का मालिक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को समझने के लिए ना हमारे पास इतनी अकल है ना इतनी समझ है। ये उलमाए दीन का काम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में आज के फी जमाने में तालिब उलमों को और मस्तूरात को नौजवानों को बताया जाए ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल हो जाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हम साबित कदम रहें। उसी के हुजूर की जिंदगी को हमारा सामने अफजल आयन बनाकर उस पर चलने की हम दिन रात कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु साहिब कुरान थे, सारे कुरान जामे कुरान थे, जितने कुरान के हुक्म थे वो सारों पर आप अमल फायज थे ना। आप जो रहमत लालमीन थे और आप शफील मुजमीन थे, आपके अंदर इतने औसाफ थे कि इंसान जो है लिख नहीं सकता। जैसा कुरान शरीफ में फरमाता है अल्लाह ताला के समंदर अगर सियाह बन जाए और कलम भी अगर और सारे शजर कलम बन जाए तो अल्लाह की तारीफ नहीं की जा सकती। इसी शान में एक शेर लिखा गया है, बलगुल उला बे कमाल ही कशफुत दुजा बे जमाल ही हसनुत जमी खिसाल ही सल्लु अलैहि वाले सी बुलंदियों को पहुंचने अपने कमाल के साथ, कुफुर के अंधेरों को दूर किया अपने जमाल के साथ, अच्छी हैं इनकी तमाम की तमाम आदात, दुरूद व सलाम इन पर हो इनके आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि ऐ नबी, तुमने मेरे लिए क्या तोहफा लाया है? हुजूर पाक ने फरमाया, तहातु लिल्लाहि वसलवातो अत्तैबातो, मेरे जिस्म से हाथ से पैर से जो भी इबादत होती है सब तेरे लिए है या अल्लाह। रब्बिल इज्जत ने फरमाया, सलाम अलैकुम याहियुन नबी। हुजूर ने जवाब दिया, अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सारे सालिहीन पर भी सलाम हो। इतनी बड़े शफी थे आप, इतने बड़े वसी दिल और दिमाग था कि आपका जो है हर फर्द के दुनिया के कायनात के हर फर्द हर शे का ख्याल था और उन्होंने हुजूर पाक ने सारों पर रहमत लेके आए, सबके लिए आपने रहमत अल्लाह से लेकर आए, हर फर्द का हक बता दिया, हर शे की हकीकत बता दी, कुल कायनात के सारे चीजों को वाजह करके दिखा दिया कि सारे कायनात किस तरह से बनी है और किस तरह से तकवीम से बनी है, किस तरह से सारे सूरज और चांद अपने गर्द में फैलते हैं, किस तरह से इंसान उछलते हुए पानी से बनाया गया है। सारे कुरान के बातों का मजमुआ और राज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग पर उतरा और आपने अपने खास सहाबियों को अपना ये राज के बातें बताई, इल्म के बातें बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को फरमाते कि मेरे जो ख्वाब में देखता है वो सच है, शैतान मेरे लिबास में नहीं आ सकता। जो सच्चा ख्वाब हुजूर का तो जो को ख्वाब में देखते हैं और फरमान होता है वो बिल्कुल सच होता है। आज के जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई नेक लोगों के दिलों दिल दिमाग पर अपने मुनव्वर फरमाए हैं, नेक आदतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक बातें उनके दिलो दिमाग पर वारिद हुए हैं, जो वारिद होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरफान भी अता किया है। जब आपने फरमाया कि कुरान हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल यासीन है तो यासीन का माना ये हुजूर की तरफ ही मुखातिब है। ये फरमाया कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान
باحکمت کے بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں. یہ قرآن خدا نے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اول ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے, سوا اسی سے یہ بے خبر ہیں اور ان میں اکثر لوگ ہیں, بات تقدیر بھی ثابت ہو چکی ہے. سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے. سورہ یاسین سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے والے, گمراہی میں رہنے والے, بالکل علم سے وابستہ نہیں رہنے والے, ان پر ان کو ان کے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمود فرمایا تاکہ ان کی ساری گمراہی کو دور کرے, ان کے دل کے قدروں کو تم دور کرے, ان کے دل کی سیاہی کو دور کرے, ان کے دل کی سختی کو دور کرے, ان کو نیک و ملائم بنا دے تاکہ وہ سارے دنیا میں ولی بن کر, اولیاء بن کر سارے کائنات پر وہ علم اور قرآن کا علم حضور کی زندگی کو پھیلاتے جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی آیتیں آئے ہیں جو قرآن میں ثبوت کے طور پر یہ بتایا دکھایا دیا گیا ہے کہ آپ کی ہستی کو اگر جو بھی ٹھکرائے گا, جو بھی حضرت کی آواز سے بڑھ کر آواز کرے گا وہ حضور کے اور اللہ کے نزدیک سے دور ہو جائے گا. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سورہ ہجرت کے پہلے تین آیتوں کو دل دماغ میں چھایا رکھیں کہ حضور کے خلاف کوئی بات بھی اگر دل دماغ میں آ جائے تو ہم حضور کی شخصیت کے خلاف اگر کچھ بھی سوچیں گے تو ہم حضور کے سے اللہ کے دربار سے راندے جائیں گے. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حکمیں دیا ہے کہ تم کے پر افضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی اپنا نشو نما بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کے طرف خدا کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں اور جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندگانی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے. تو خدا پر اور اس کے پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ. کئی جگہ پہ آیتوں میں خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بتایا گیا ہے, حضور کی نیک عادتوں کو بتایا گیا ہے, حضور کے تقوی کا پر بتایا گیا ہے, حضور کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بتایا گیا ہے, حضور کے عدل و انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے, حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے بارے میں بتایا گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت اور شفقت جو سارے کائنات کے ہر شے پر رکھے گیا ہے اس کے بارے بتایا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امین تھے. اور اسی سلسلے میں کئی آیتیں اترے ہوئے ہیں کہ امانت داری ہی مسلمانوں کے لیے ایک فرض کر دیا گیا ہے. اے ایمان والو نہ تو خدا رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. تم ان باتوں کو جانتے ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور ان کے خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. مومنوں اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے میں امر فارغ پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا, تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے تو تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں, تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. مکر اللہ وکر اللہ خیر الماکرین, تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو وہ جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی ان کے حق میں برتا جائے گا. اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے, اور اگر باز آ جائے اور خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہاری حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے. مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو.
खुदा और इसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करना, क्या ऐसा करोगे तो बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारे अखबाल जाता रहेगा। और सब्र से काम लो और खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे ना होना जो उतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और जो लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं और जो आमाले करते हैं खुदा उनको उन पर अहाते किए हुए है। ये सूरह अनफाल की आयतें हमने आपको पढ़कर सुनाई। ऐ नबी, फिर फरमाता है सूरह अनफाल में, ऐ नबी मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो, अगर तुम में से 20 आदमी साबित कम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहोगे और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोगों हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब खुदा ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है, बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे और 1000 होंगे तो खुदा का हुक्म और से 2000 पर गालिब रहेंगे और खुदा साबित कदम रखने वालों का मददगार है। और अगर लोग तुमसे दगा करना चाहें गे तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं तो उसने इनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया। खुदा दाना हिकमत वाला है। इन आयात से साफ जाहिर होता है कि जहां भी हो मुसलमान अपने ईमान को साबित कदम रखकर और सब्र करके सारे तकवा इख्तियार करके चलता है तो कई लोगों पर वो फायज हो जाता है, अल्लाह ताला उसको बादशाह अता कर देता है। हम मायूस होने की कोई जरूरत नहीं कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं और हम जो है हमारे पर बुरे लोगों हम पर हावी हो चुके हैं। ये बिल्कुल नादानी की बात है। जब तक हम खुदा रब्बिल इज्जत के ईमान को पख्ता रखेंगे, हुजूर पाक से बे इंतहा मोहब्बत और दरूद सलाम पहुंचाते रहेंगे तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और हमारे दिल दिमाग पर अल्लाह का नूर उतरते आएगा। सूरह तौबा की आयत भी देखिए जो 32वीं आयत है, ये रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आया, ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने जिम्मे से फूंक अपने मुंह से फूंक कर मार कर बुझा दें और खुदा अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगर ये काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे अगर ये काफिर नाखुश ही हों। मोमिनों अहले किताब के बहुत से आलिम और मशायख लोगों का हाल नाहक खाते और इनको राय खुदा से रोकते हैं और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसको खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते इनको इस दिन के अजाब अलीम की खुशखबरी सुना दो और अगर तुम निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ा तकलीफ का अजाब देगा। अगर तुम निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो खुदा के पूरे फरमा बरदार होंगे और तुम इसकी कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बखौर देखें, हमारे उलमा को जमा किए और उनको हम हर बार ईद मिलादों में और के जलसों में और जुमा के खुतबों में और दिन रात हम हुजूर पाक की जिंदगी के बारे में, कुरान के अहकाम के बारे में, कुरान की हिदायतों के बारे में हम उसकी हिदायत लेते रहें और उस पर चलने की बेइंतहा कोशिश करें। आखिर दाना आना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत आप तमाम को मशकूर हो कि आपने हमसे हमारी तकरीर सुनने की कोशिश की। हम बहुत नादान हैं लेकिन हमारे दिल में हुजूर पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेइंतहा है। हम चाहते हैं कि इसकी मोहब्बत को और बढ़े और हम मोहब्बत ही मोहब्बत में अपने इश्क में अपनी जिंदगी पूरी कर दें। अब एक सलाम छोटा सा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हम पढ़ेंगे। अस्सलाम रहमतल आलमी इमाम अवली वाखरी अस्सलाम फख्र मौजूदात कुल आलम ऐशना से हक दानाई सुबल अस्सलाम मजर नूर खुदा अशफील मोमिनी रोज जजा अस्सलाम हाशिम आला नसब
السلام اے کعبے کے کعبے لخب السلام اے رہبر نور اے بشر السلام اے صاحب شق الخمر السلام اے رہنما اے عارفی السلام اے راحت العاشقی اے مراد ہر دو عالم السلام باعث تخلیق آدم السلام آپ کا ہے اس قدر اعلی مقام آپ کی توصیف میں حق کا کلام پاک آپ کا پیرا ہے ایک ادنا غلام پیش کرتا ہے ادب سے یہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعدتائے اجمعین.